गाइस, दिस इज मनप्रीत, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टू सुपर इजी DIYs जो कि मैंने बनाए हैं मैक्रमे थ्रेड से, एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग मैक्रमे थ्रेड। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला DIY बनाने के लिए हमें चाहिए मैक्रमे थ्रेड, सीजर, मास्किंग टेप एंड कलरफुल थ्रेड्स। ये आप कोई भी कलर के ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। अब हम चार पीसेस ले लेंगे मैक्रमे थ्रेड के, चारों सेम साइज़ के होने चाहिए। अगर आपका थ्रेड इस वाले थ्रेड से थोड़ा मोटा है तो आप दो भी ले सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही यूज़ किया। अब हम इनके दोनों साइड्स पे मास्किंग टेप लगा देंगे ताकि ये बिखरे नहीं। अब हम एक कलरफुल थ्रेड लेंगे और पहले हम इससे एक नॉट बना देंगे इसको टाई करने के लिए थ्रेड को। अब हम इस कलरफुल थ्रेड को मैक्रमे थ्रेड के ऊपर रैप करेंगे। हमें पूरा रैप करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हमें थ्रेड को अच्छे से रैप करना है टाइटली। जब ये पूरा रैप हो जाए लास्ट में, तब हम एक नॉट बना देंगे इस पर। आप चाहे तो ग्लू गन या फिर फेविकॉन वगैरह भी इस पर लगा सकते हो। नॉट लगाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे और जो मास्किंग टेप हमने लगाई थी वो भी हम रिमूव कर लेंगे दोनों साइड से। देन कलरफुल थ्रेड रैप करने के बाद रिमेनिंग जो भी मैक्रमे थ्रेड बचा है हम उसको कॉम कर लेंगे। कॉम करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, अच्छे से कॉम कर लीजिए। सो मैंने 6 और रेडी कर लिए हैं। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो भी आप अपने रूम में लगाना चाहते हैं। रिमेनिंग मैक्रमे थ्रेड को हम अच्छे से कॉम कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे ताकि ये एक शेप में आ जाए।
अब हम इसका बेस बनाने के लिए कोई भी कार्डबोर्ड या फिर हार्ड पेपर ले लेंगे, उसी शेप का हम ड्रॉ करके कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे हार्ड वाला पेपर लिया है, ग्लू लगा के हम उसको पेस्ट कर देंगे। हमारा मैक्रमे रेनबो रेडी है। अब मैं इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ फ्लावर्स लगाऊंगी, ताकि ये जो अनइवन एरिया है ये भी थोड़ा कवर हो जाए। आप यहाँ पे कोई भी डेकोरेट पीस लगा सकते हैं, मिरर्स लगा सकते हैं। अब मैं इसको हैंग करने के लिए एक छोटा सा मैक्रमे थ्रेड का पीस लूँगी और इसको फेविकॉल से अच्छे से लगा दूँगी, और इसको और सिक्योर करने के लिए एक पेपर लगा दूँगी पीछे, और इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। एंड यस, अब ये हमारा रेनबो, मैक्रमे रेनबो बनके एकदम रेडी है। ये मैंने इसे हैंग कर दिया है और मैंने इस पर एक छोटा सा स्माइल वाला कोट लिख के लगा दिया है। अब हम बनाएंगे हमारा सेकेंड DIY। यहाँ पे हम बनाएंगे एक मैक्रमे लीफ, जिसे फेदर लीफ भी कहते हैं। एक थ्रेड ले लेंगे जिसको मैंने डबल कर लिया है यहाँ पे, ये लीफ का सेंटर पार्ट है। अब हम टाइनी पीसेस कर लेंगे इस थ्रेड से, जैसे कि मैंने किए हैं यहाँ पे। अब हमें दो पीसेस लेके दो लूप बनाने हैं, और हमें राइट से स्टार्ट करना है। पहले दो लूप्स की हेल्प से एक नॉट बनाएंगे, ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट लूप है उसकी एजेस हमें सेकंड में इंसर्ट करनी है, और जो सेकंड लूप है उसकी एजेस फर्स्ट में इंसर्ट करनी है, और अच्छे से उसका एक नॉट बना देना है। अब हम जो सेकंड नॉट बनाएंगे वो हमें लेफ्ट से स्टार्ट करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है। जो फर्स्ट लूप की एजेस है वो हमें सेकंड में इंसर्ट करनी है, और सेकंड लूप की एजेस हमें फर्स्ट में इंसर्ट करनी है। यही सारा प्रोसेस हमें पूरे थ्रेड पे करना है। और साथ साथ हमें सारी नॉट्स को टाइट भी करते जाना है, और ऊपर की तरफ पुश करते जाना है, ताकि ये लूज ना हो जाए।
अब हम लास्ट में सेंटर वाले थ्रेड को भी थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब इसको कॉम्ब की हेल्प से हम सारे जो हमारे ये एजेस हैं हम इनको ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारी नॉच को अच्छे से टाइट कर लिया है ताकि ये ओपन ना हो जाए। जब ये पूरे सारे एजेस अच्छे से ओपन हो जाएं, तो हम अब इसको सीजर की हेल्प से एक अच्छे से लीफ की शेप में कट कर लेंगे। हमारा फेदर लीफ बनके रेडी है। मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं, 2 सेम साइज़ के और एक उससे थोड़ा छोटा बनाया है। और अब इनको हैंग करने के लिए कोई भी वुडन स्टिक या फिर कोई भी प्लास्टिक के स्टिक आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे वुडन स्टिक ली है। पहले मैंने सिर्फ वुडन स्टिक पे ट्राई किया था, फिर मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इस पे मैक्रमे थ्रेड रैप कर दिया ताकि ये और ब्यूटीफुल लगे। और एंड पे मैंने इसे ग्लू से सिक्योर कर लिया अच्छे से और इसे ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया। और फिर मैंने अपने तीनों लीव्स इसमें हैंग कर दिए और हैंग करने के बाद कुछ ये इस तरह दिख रहा था। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको दोनों DIY में से कौन सा DIY ज़्यादा अच्छा लगा। सो ये थे आज के 2 DIYs। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।